Hi guys, this is Keshav Malpani and welcome back to another very important session where we're going to use certain movies. In fact, one very famous Bollywood movie. Aapke screen par aapko dikh raha hoga Damini, which was released in 1993. And there was a very famous dialogue in this particular movie, which brings, or you could say, which actually gives rise to two particular issues. पहला इशू है और मैं आपको उससे पहले टॉपिक बता देता हूँ एज टू व्हाट इज दिस पर्टिकुलर डायलॉग. वो हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे. इट्स अ वेरी फेमस डायलॉग, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट. तो वन इशू दैट क्रॉप्स आउट ऑफ इट इज द पेंडेंसी इन कोर्ट्स. जो कोर्ट में जो नंबर ऑफ केसेस की पेंडेंसी है, दैट इज वन ऑफ द इशूज. एंड सेकेंड इशू इज द डेकोरम दैट यू कीप हैव टू कीप इन अ कोर्ट लॉ. है ना, अगर कोर्ट रूम में अगर आप जा रहे हो तो आपका क्या डेकोरम रहना चाहिए, क्या आपका तरीका रहना चाहिए, हाउ पोलाइट यू नीड टू बी. दोज आर सर्टन थिंग्स दैट वी विल अंडरस्टैंड. So, वो डायलॉग आई थिंक एवरीबडी मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट इज दिस पर्टिकुलर डायलॉग विच इज तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती है लेकिन इंसाफ नहीं मिलता. ठीक है, मिली है तो सिर्फ तारीख. नाउ व्हाट इज सनी देओल ट्राइंग टू से हियर इज दैट एवरी टाइम ही कम्स टू दिस पर्टिकुलर कोर्ट हिज मैटर इज ऑलवेज एडजर्न. ठीक है, इसके मैटर को हमेशा एडजर्न कर दिया जाता है एंड उसको आगे बढ़ा दिया जाता है, बट द मैटर इज नॉट सॉल्व. बेसिकली जो विक्टिम्स हैं उनको जस्टिस कभी भी नहीं मिलता है. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू लुक एट इट इज सनी देओल का, अगर आप इस फोटो में भी देख पाओगे, इज वेरी एग्रेसिव हेयर. राइट, सो अनदर क्वेश्चन दैट कम्स टू अवर माइंड इज कि क्या कोई लॉयर इस तरह से एग्रेसिव हो सकता है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. दीज आर टू थिंग्स दैट क्रॉप्स अप विद रिस्पेक्ट टू दिस. आई विल टेक दिस यू कुड से सेपरेटली इन दिस पर्टिकुलर सेशन एंड दैट इज वाई आई टोल्ड यू दैट वी हैव टू इश्यूज टू डील विद टुडे. वन इज द डिपेंडेंट which is the first one is the pendency and second is the decorum that you have to maintain in a court of law. So, ye do cheeze hain jo hum aaj detail mein discuss karne wale in this particular session. The first important thing that we will go through is the pendency. Abhi recently bhi ek report aaya hai jahan se aisa pata chala hai of the data compiled by the National Judicial Data Grid that more than 1 lakh cases आर पेंडिंग इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड तालुका कोर्ट फॉर लास्ट 30 ईयर्स. ठीक है, पिछले 30 साल से 1 लाख से ज्यादा केसेस पेंडिंग है. मतलब सोचो, वो ऐसे केसेस हैं जो पिछले 30 साल पहले करीब करीब है ना, करीब करीब 30 साल पहले फाइल हुए थे एंड दे हैव नॉट येट बीन सॉल्व. तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है कि 30 साल से कैसे केसेस चल रहे हैं, वो भी लाख से ज्यादा. इसमें से 90% जो केसेस है, जो 30 साल से जो 1 लाख केस की मैं बात कर रहा हूं, इसमें से 4 स्टेट में 90% of these cases fall. So these states are Uttar Pradesh, Maharashtra, West Bengal and Bihar. इन्हीं 4 स्टेट में fall करते हैं बस ये. Uttar Pradesh, Maharashtra, West Bengal and Bihar. Right? So अब इसमें क्या होता है, Uttar Pradesh leads the list with more than 41,000 such cases. तो 41% के आसपास तो Uttar Pradesh अकेले में ही ऐसे cases हैं जो 30 साल से pending है. और करीब करीब 23.5% उसमें से है महाराष्ट्र में. सो दीज आर द टू लीडिंग स्टेट्स जहां पर लोअर कोर्ट्स में 30 साल से केसेस पेंडिंग है ना. नाउ ये जो मैं आपको 90% वाला बता रहा हूं, जो 4 स्टेट्स का, ये ऑल दो बड़े स्टेट्स है नो डाउट. ठीक है, दीज आर बिगर स्टेट्स इन द कंट्री, बट यहां पर कंट्री की 42% पॉपुलेशन ही रहती है. ऐसा नहीं है कि कंट्री का बहुत मेजर चंक सिर्फ यही रहता है ना. 42% पॉपुलेशन रहती है यहाँ पे. 90% आउट ऑफ जो 1 लाख मैंने आपको बताया, उसमें से 90% केसेस यहीं पर हैं जो कि पेंडिंग है फॉर द लास्ट 30 ईयर्स इन दीज लोअर कोर्ट्स. नाउ लोअर कोर्ट्स का यहाँ पर क्या मतलब है, वी नो दैट वी हैव सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, देन वी हैव द हाई कोर्ट एंड देन उसके अलावा वी हैव द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड लोअर कोर्ट्स. ठीक है, तो जो लोअर कोर्ट्स जो फर्स्ट जो जहां पहली बार हम जाते हैं, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो अगर आप सोचोगे कि जब यहां से डिसीजन आएगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट मैटर इज अपील टू अ हाई कोर्ट, द मैटर इज लेटर अपील टू अ सुप्रीम कोर्ट एज वेल, तो कितने साल लग जाएंगे कोई भी डिसीजन आने में. ठीक है, तो 30 साल एक एक्सट्रीम सिनेरियो है. उसके बाद में जो 10 to 20 वाला फिगर है, 20 to 30 वाला फिगर है, वो भी काफी ज्यादा है एंड उसके बारे में भी आई एम गोइंग टू बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर सेशन. राइट, सो लार्ज स्टेट में हरियाणा हैज द लोएस्ट नंबर विद ओनली 14 सच केसेस जो 30 साल से पेंडिंग है. ठीक है, जो 30 ईयर्स से ज्यादा से पेंडिंग है उसमें सिर्फ ऐसे केसेस है, हरियाणा में सबसे कम है. एंड अ गुड पार्ट, जो सिल्वर लाइनिंग जो इसमें आया, ऑल्दो ये बहुत छोटी छोटी जगह है, 30 साल से कोई भी केस पेंडिंग नहीं है कुछ कुछ जगह पर, विच इज चंडीगढ़, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, लद्दाख, मिजोरम, नागालैंड एंड सिक्किम. ये कुछ ऐसे एरियाज है जहां पर 30 साल से ऐसा कोई भी केस नहीं जो 30 साल से ज्यादा से पेंडिंग हो. ठीक है, दे हैव ईदर बीन डिस्पोज्ड ऑफ और दे आर रनिंग एन अपील, लोअर कोर्ट्स में नहीं चल रहे वो.
अगर हम 20 to 30 years वाला टाइम फ्रेम देखें, इफ यू लुक एट इट 20 to 30 years वाला टाइम टाइम फ्रेम, उसमें भी 5 लाख केसेस पेंडिंग है, 5 लाख केसेस आर पेंडिंग इन दैट टाइम फ्रेम एज वेल इन इंडिया इन जस्ट लोअर कोर्ट्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट्स, अभी तक हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट आई मीन. एंड 28.7 लाख केसेस आर पेंडिंग फ्रॉम 10 to 20 years इन इंडिया. तो दैट्स व्हाट सनी देओल वाज ट्राइंग टू से, राइट, तारीख पे तारीख. सो एवरी टाइम कोई डेट आती है पर्टिकुलर कोई भी कोर्ट केस की, उसको आगे बढ़ा दिया जाता है, वहां पर थोड़ी सी सुनवाई होती है और उसको फिर एडजर्न किया जाता है नेक्स्ट डेट के लिए. इससे केसेस खिंचते चले जाते हैं. देयर हैव बीन सो मेनी इंस्टेंसेस इन इंडिया वेयर पीपल हु फाइल्ड केस हु वर विक्टिम्स ऑफ द केस हैव डाइड बाय द टाइम द डिसीजन कम्स. वो खुद ही मर जाते हैं जब तक डिसीजन आता है. सो दैट इज क्वाइट प्रॉब्लमैटिक, दैट इज वेरी प्रॉब्लमैटिक इन फैक्ट. So over 31 million cases are pending in subordinate courts across the country. ठीक है, 31 million is approximately 3.1 crore के आसपास. इतने ज़्यादा cases जो ये pending है, इसको कैसे resolve किया जाए? बहुत सारे अलग-अलग तरीके आते हैं. कई बार बोलते हैं कि हमें courts बढ़ाने पड़ेंगे, we need to increase the number of courts. कई बार होते हैं कि हमें special courts बनाने पड़ेंगे, which are also called tribunals. जैसे हम लोग particular हमको आपको पता होगा NCLT हमारे पास. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होता है. वी ऑल्सो हैव द एनजीटी विच इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. ठीक है, ये सब हमारे पास होता है. तो ये जो सारी चीजें हमको और एक्स्ट्रा बनानी पड़ेंगी ताकि जो पर्टिकुलर टाइप के कोर्ट्स जो केसेस हैं वो इन्हीं ट्रिब्यूनल्स में जाएं. तो आपने एक सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का भी सुना होगा. उसको चेक बाउंसिंग कहते हैं. आसान भाषा में चेक बाउंस हो गया. लीगल लैंग्वेज में उसको डिसऑनर ऑफ चेक कहते हैं. उस डिसऑनर ऑफ चेक के इंडिया में ये लोअर कोर्ट्स में जो आपको पेंडेंसी बता रहा हूं ना, इसमें 30% केसेस सिर्फ डिसऑनर ऑफ चेक्स के ही हैं. तो ये एक काफी बड़ा इशू है जो मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चलता रहता है. सो हाई डिपेंडेंसी ऑफ केसेस इन सम ट्रिब्यूनल्स इंडिकेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग देम इज नॉट अचीव्ड अगेन. हमने कई सारे ट्रिब्यूनल्स बनाए बट ट्रिब्यूनल्स में भी केसेस अटके हुए हैं बिकॉज वहां पर भी बहुत ज्यादा केसेस हो गए. वी डू नॉट हैव इनफ ब्रांचेस और इनफ बेंचेस ऑन ऑफ दोस पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल्स. दैट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स अगेन, राइट. So the government, including the PSU or the autonomous bodies under the government, have around 46% of the 3.1 crore cases pending in various parts of the country, making it the biggest litigant in the country. तो सबसे ज्यादा केसेस आप देखोगे ना वो सरकार के अगेंस्ट होते हैं, चाहे वो कोई भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट की अथॉरिटी हो, है ना, कोई गवर्नमेंट की कंपनी हो. PSU इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, है ना, इट कुड बी अंडरटेकिंग लाइक से ONGC की बात कर लो या फिर गवर्नमेंट की कितनी भी कंपनीज होती है ना, बहुत सारी कंपनीज होती है, उनके अगेंस्ट जो केसेस होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं. इट कुड बी रिलेटेड टू योर सर्विस, रिलेटेड टू पेंशन, रिलेटेड टू यू कुड से कंडीशंस ऑफ योर सर्विस, उन सबसे रिलेटेड. तो सबसे बड़ा जो लिटिगेंट है कंट्री का वो खुद सरकार है. सबसे ज्यादा केसेस गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही किए जाते हैं. ठीक है, अब अपने कंसर्न्स क्या है? व्हाई आर वी कंसर्न्ड? बिकॉज वी हैव सो मच पेंडेंसी. अगर इंडिया में हम बहुत ज्यादा FDI अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई भी इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा अगर उनको लगेगा कि यार इंडिया में तो कोई केस अगर हुआ तो अटका ही रहेगा. वी विल नॉट गेट जस्टिस बिकॉज द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इज सो स्लो इन इंडिया. सो दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम. सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज गेटिंग अफेक्टेड बाय हाई डिपेंडेंसी एंड डिलेज अक्रॉस द लीगल सिस्टम. ठीक है, अक्रॉस द लीगल सिस्टम में डिलेज चलते रहते हैं तो उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी हद तक अफेक्ट हो जाती है. इट ऑल्सो एड्स अ बर्डन ऑन कोर्ट्स एंड कोलैटरली हार्म्स अदर लिटिगेंट्स टू, कि जो बाकी जो लिटिगेंट्स हैं आप कह सकते हो कि उनकी केसेस पे अटक जाते हैं चक्कर में. प्रोजेक्ट कॉस्ट और डिलेज वगैरह बढ़ जाते हैं कि कोई भी अगर मान लो कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आया या फिर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट आया है उसको कोई लेकर चला गया कोर्ट उसके अगेंस्ट कोई पिटीशन लेके, और अगर वो सालों साल तक चल रही तो प्रोजेक्ट बन ही नहीं पाएगा, उससे कॉस्ट बढ़ रहा है, डिलेज बढ़ रहे हैं अननेसेसरली, राइट. तो पूरा प्रोसेस स्लो जाता है, एंटायर प्रोसेस गेट स्लो, है ना. सो दैट इज अ मेजर मेजर कंसर्न हियर. उसके अलावा देखते सरकार ने इस पे स्टेप्स क्या लिए. तो एक हमारा नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी है, ऑल्दो ये पॉलिसी उस टाइम बनाया गया था बट अभी इसको बहुत ज्यादा जो कुछ से इफेक्टिवली यूज में नहीं लाया गया. इट वाज बेसिकली टू ट्रांसफॉर्म गवर्नमेंट इनटू एन एफिशिएंट एंड रेस्पॉन्सिबल लिटिगेंट, बट अभी भी आप देखोगे कि इट इज नॉट अप्लाइड रियली प्रॉपरली. ठीक है, तो कुछ कुछ स्टेट्स ने इसमें पॉलिसीज बनाई है इस पर्टिकुलर पॉलिसी को देखकर अपने स्टेट्स में भी, बट उसको आप कह सकते हो कि बहुत प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं है उसका, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड द लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम कॉल्ड LIMS. इट वॉज क्रिएटेड इन 2015 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रैकिंग केसेज इन विच गवर्नमेंट इज अ पार्टी, ताकि हमको समझ में आए कि भाई गवर्नमेंट कितने केस में पार्टी है. ऑलरेडी टोल्ड यू कि गवर्नमेंट इस कंट्री का सबसे बड़ा लिटिगेंट है ना, सबसे ज्यादा जो लिटिगेशन है वो सरकार खुद कर रही है. तो इसीलिए यहां पर गवर्नमेंट किस किस केस में पार्टी है ये समझ में आ जाएगा हमको, है ना.
एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने कई सारे टीवी सीरीज या मूवीज वगैरह में देखा होगा, पर्टिकुलरली जो यूएस वगैरह की मूवीज या टीवी सीरीज होती है, कि अगर किसी को भी छोटी इंप्रिजनमेंट मिलती है, मान लो कोई किसी को 6 मंथ्स का इंप्रिजनमेंट हुआ है या फिर किसी को मान लो 1 ईयर तक का इंप्रिजनमेंट हुआ है, तो ये नहीं कि उनको जबरदस्ती कोर्ट मतलब प्रिजन में भर रखा है, उनसे सोशल सर्विस करवाई जाती है, उनसे अलग अलग टाइम के काम करवाए जा सकते हैं, ठीक है। अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स आर, यू कुड से दीज पीपल आर मेड टू डू, ये काफी बार होता है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि जो इंप्रिजनमेंट ऑफ 6 मंथ्स और अ ईयर शुड बी एलोकेटेड टुवर्ड्स सोशल सर्विस ड्यूटीज रादर देन टू बी सेंट टू फर्दर चोक द ऑलरेडी ओवरफ्लोइंग प्रिजन्स। हमारे प्रिजन्स में पहले ही बहुत कम जगह है, उसको और ज्यादा चोक करने का कोई पॉइंट नहीं है, है ना, पहले ही इतने भरे हुए हैं वो। सो दैट इज वाई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उनको सोशल सर्विसेज में लगाओ, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ पेटी क्रिमिनल्स जिनसे आप कंट्री का काफी सारा काम करवा सकते हो रादर देन अननेसेसरली स्टफिंग देम इन जेल्स। नाउ नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी जैसे मैंने आपको बताया, सिंस इट्स नॉट प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड नीड्स टू बी रिवाइज्ड। ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड इज देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ अ पर्टिकुलर केस। एक होता है प्री लिटिगेशन। प्री लिटिगेशन में आपने देखा होगा अभी रिसेंटली मीडिएशन बिल भी आया है, तो हम काफी सारे तरीकों से प्री लिटिगेशन इस केस को खत्म कर सकते हैं। ड्यूरिंग लिटिगेशन कितना टाइम लगना चाहिए और किस तरह से प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, और पोस्ट लिटिगेशन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किस तरह से होना चाहिए। तो देयर आर 3 स्टेजेस, राइट। तो वी नीड टू एस्टैब्लिश फेयर अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म एज वेल, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर उनका वायलेशन हो रहा है तो कैसे होगा। हर डिपार्टमेंट का एक नोडल ऑफिसर बना सकते हैं टू रेगुलरली मॉनिटर द स्टेटस ऑफ द केसेस इन एवरी डिपार्टमेंट, कि भाई क्या स्टेटस चल रहा है, कितने टाइम से चल रहे हैं, कितने ज्यादा केसेस चल रहे हैं, बढ़ तो नहीं रहे बहुत ज्यादा केसेस अननेसेसरीली। दीज आर सर्टेन थिंग्स वी नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ सो दैट वी कैन रिड्यूस द पेंडेंसी ऑफ दीज केसेस इन वेरियस कोर्ट्स, नॉट जस्ट द लोअर कोर्ट्स, इनफैक्ट इन द हायर कोर्ट्स एज वेल। सो वी नीड टू बी रियली स्मार्ट अबाउट दैट एज टू हाउ टू गो अबाउट दीज पर्टिकुलर केसेस, राइट। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस बिफोर वी मूव ऑन टू द सेकंड थिंग, स्टेप्स है प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स, ठीक है। इट कुड बी मीडिएशन एज आई जस्ट डिस्कस्ड, इट कुड बी नेगोशिएशन, इट कुड बी आर्बिट्रेशन। तो कई सारे ऐसे आजकल मैकेनिज्म्स आए हैं जिसमें आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है, ठीक है, मीडिएशन वगैरह काफी ज्यादा इंकरेज किया जाता है। एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बिटवीन गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी। अभी अगर हम देखते हैं ना, बोथ द गवर्नमेंट एंड जुडिशरी आर जनरली एट लॉगरहेड्स, दे ट्राई टू बेसिकली काइंड ऑफ फाइट इन अ वे कि कौन ज्यादा सुपीरियर है, रादर देन डूइंग दैट दे नीड टू वर्क इन टुगेदर, देयर वे को साथ में उनको काम करना पड़ेगा, दे कांट डू सेपरेट वर्क सेपरेटली एंड यू नो काइंड ऑफ नॉट कोऑर्डिनेट एट ऑल। सो जुडिशियल कैपेसिटी शुड बी स्ट्रेंथन इन द लोअर कोर्ट टू रिड्यूस द बर्डन ऑन हाई कोर्ट्स, ठीक है। हाई कोर्ट्स के बर्डन को कम करने के लिए हमको जुडिशियल कैपेसिटी लोअर कोर्ट्स को बढ़ानी पड़ेगी बहुत ज्यादा। हम हमेशा ये बोला जाता है कि लोअर कोर्ट्स में, इनफैक्ट हाई कोर्ट्स में भी जजेस के नंबर्स बहुत कम है, है ना। तो हमें जो टोटल बजट का जुडिशियरी पर जो एक्सपेंडिचर है उसको काफी हद तक बढ़ाना पड़ेगा। वी नीड टू इंक्रीज इट टू अ लार्ज एक्सटेंट, राइट। अभी ये सुप्रीम कोर्ट में आपने रिसेंटली सुना होगा ऐसा हुआ है, और उसको आगे जाकर और ज्यादा लोअर कोर्ट तक भी लाना चाहिए, कोर्ट ऑटोमेशन सिस्टम, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि मतलब बार बार सब कुछ फिजिकली वो जो फाइल की तरह हो रहा है वैसा नहीं किया जाएगा, कोर्ट को काफी ज्यादा ऑटोमेट किया जाएगा। एंड वी नीड, दैट इज द नीड ऑफ द आवर, वी रियली नीड टू अप्लाई इट एज सून एज वी कैन, है ना। वो बहुत ज्यादा जरूरी है एट दिस पॉइंट इन टाइम फॉर आवर कंट्री पर्टिकुलरली, सो वी नीड टू वर्क ऑन दैट एज वेल। उसके अलावा टैक्स डिपार्टमेंट के बहुत सारे केसेस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे टैक्स डिपार्टमेंट के केसेस होते हैं, उनको हमें काफी हद तक कम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर टैक्स में क्या होता है ना कि इट्स एन ऑफेंस, आपको रेट्रोस्पेक्टिव भी लगा सकते हैं आपका केसेस, तो वो काफी ज्यादा बहुत ज्यादा होता है। एंड वी नीड टू एस्टैब्लिश अ प्रॉपर मैकेनिज्म एज टू हाउ समबडी कैन यू कुड से रिजॉल्व अ डिस्प्यूट ऑनलाइन। तो स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मस्ट बी अडॉप्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एज वेल। जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले केसेस है, जो नॉर्मल वाले केसेस है, ऑल्दो आपको जो 2019 वाला एक्ट दिखेगा उसमें ऑनलाइन रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म है, बट इट्स नॉट एज स्विफ्ट एज यू वुड वांट इट। आज लेमैन को समझ नहीं आएगा कैसे करना है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर आदमी समझ सके एज टू हाउ टू प्रोसीड विद इट, किस तरह से प्रोसीड करना चाहिए, दैट विल बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, राइट। एंड अनदर थिंग इज द जजमेंट्स नीड टू बी शॉर्टर एंड मोर पॉइंटेड रादर देन यू नो एकदम रैंडमली कुछ भी बोल देना, अननेसेसरली कुछ भी डिस्कस कर लेना पूरे जजमेंट में, उस जजमेंट को 800,000 पेज का बना देना, दैट मेक्स नो सेंस। सो जजमेंट्स ऑल्सो नीड टू सॉरी जजेस ऑल्सो नीड टू टेक इन टू कंसिडरेशन दैट वी नीड शॉर्टर एंड मोर पॉइंटेड जजमेंट। जैसे हम लोग चाहते ना कि लॉयर्स आर्ग्यू करें एकदम पॉइंटेड, वैसे एकदम शॉर्टर जजमेंट होने चाहिए ताकि बस समझ आए कि क्या रीजन था पर्टिकुलर डिसीजन एंड व्हाट वर द केसेस एंड द लॉज, फैक्ट्स एंड द लॉज इन केस। वो काफी है, उससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी।
So these are certain things that need to be keep in mind. Another thing is, which is the next part of it, कि क्या हमारा डेकोरम कैसा होना चाहिए. तो मैंने आपको पहले बताया था कि सनी देओल ने दो पॉइंट रेज किए थे कि क्या आप तारीख पे तारीख चिल्ला सकते हो कोर्ट में. तो इट इज नॉट पॉसिबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. यू हैव टू बी एक्सट्रीमली पोलाइट एंड कर्टियस. ठीक है, एक्सट्रीमली पोलाइट और कर्टियस आपको होना पड़ेगा. यू ऑलवेज हैव टू हियर द जज व्हाइल ही और शी इज स्पीकिंग. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने जज को काट के अपना कुछ बोल दिया. ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकते. दैट इज ब्रेकिंग द डेकोरम ऑफ द कोर्ट एंड यू कैन नॉट डू इट लाइक दैट. यू विल इनफैक्ट हैव टू हियर द अदर साइड ऑल्सो. हम लोग मूवीज वगैरह में देखते हैं कि अदर साइड से लोग झगड़ा कर लेते हैं, उन पर चिल्लाने लग जाते हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. एंड कोर्ट डज नॉट हैव ऑल डे. तो कोर्ट में आप ना एकदम बेकार की जो आप जुमलेबाजी होती है ना, वो नहीं कर सकते. यू हैव टू बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट. कोर्ट के पास आपके पास पूरा दिन नहीं है आपको देने के लिए. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट एज अ लॉयर. यू नीड टू बी वेरी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट. क्या आपका केस है, क्या आपका लॉ है, क्या आपके फैक्ट्स है. सो यू नीड टू हैव वेरी गुड कमांड ओवर द लॉ एंड द फैक्ट्स इन क्वेश्चन. जो आपका पर्टिकुलर केस चल रहा है उस पर आपको प्रॉपरली सब कुछ पता होना चाहिए. एज टू वॉट इज द यू कुड से लॉ इन प्लेस, वॉट आर द फैक्ट्स दैट यू आर गोइंग टू से, वॉट आर द फैक्ट्स दैट सपोर्ट्स योर केस. Those are the things that you need to know properly. You need to, you could say, know the procedure really nicely. कि क्या procedure होता है court का, क्या उसका एक you could say standard operating procedure generally हर court का एक होता है, जो अलग अलग laws भी govern करती है, CPC, CIPC वगैरह, कि किस तरह से आपको filing करनी है, क्या करना है, all of that is given here. So these are certain important points that Damini probably failed to tell you, because हमारा जो generally lawyer बनने का sense है that comes from the movies या फिर TV series, जो आपने suits वगैरह देखा होगा अगर, तो वहां से काफी ज्यादा आता है. So do not get disoriented like that. You need to understand there is a certain basic procedure that need to be followed, and do not blindly follow the movies and you know, create an opinion about court laws, or you could say lawyers in court laws. That is not how it works. So that's it about the session. Thank you so much. I hope it was extremely useful for all of you. For most of the session, you can follow this particular channel, An Academy Legal World, and we'll be creating a lot more sessions like this. Thank you so much, guys.